सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मनदीप शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे पाठ 6 घमंडी मक्खी से संबंधित प्रश्न 5 तथा भाषा की बात। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 5 से। प्रश्न 5 में कहा गया है कि सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं जिन्हें हमने दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। आइए देखते हैं पहली घटना। शेर डैश के नीचे सो रहा था। शेर किसके नीचे सो रहा था? छतरी के नीचे, गुफा के नीचे या पेड़ के नीचे? तो यहाँ आएगा पेड़। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अगली घटना है, मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे डैश हैं। मक्खी ने क्या कहा था? शेर और हाथी मुझसे बड़े हैं, डरते हैं या नाराज हैं? तो इसमें आएगा डरते हैं। मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। अगली घटना है, मक्खी डैश के जाले में फंस गई। मक्खी किसके जाले में फंस गई थी? मकड़ी के, मछुआरे के या लोमड़ी के? तो मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। इस प्रकार से बच्चों आपने इन घटनाओं को दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। आइए करते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न आपको कहानी ही कहानी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि मक्खी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम घमंडी मक्खी रखा गया है। यदि कहानी को हाथी और लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो कहानी के क्या क्या नाम हो सकते थे? कोई दो नाम लिखिए। इस प्रश्न में आपने क्या करना है बच्चों, जिस प्रकार से मक्खी को ध्यान में रखकर इस पाठ का नाम क्या रखा गया है? घमंडी मक्खी। अगर इस पाठ को हाथी या लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो कहानी के और क्या क्या नाम हो सकते थे, वो आपने कोई भी दो नाम अपनी तरफ से सोचकर लिखने हैं। मैंने यहाँ पर दो नाम लिख दिए हैं, आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। मैंने पहला लिखा है चतुर लोमड़ी और दूसरा लिखा है हाथी और लोमड़ी। इस प्रश्न को आपने किताब में ही करना है, यह आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है। अब करते हैं हम भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। बच्चों, इन ये जो दिए गए शब्द हैं, इन्हें हमने बोल बोल कर पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? मक्खी। तो यहाँ पे आपको एक अर्धवर्ण दिखाई दे रहा है और दूसरा पूरा। और मैंने आपको पहले भी संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन के बारे में जानकारी दी थी कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें एक आधा वर्ण और दूसरा पूरा वर्ण होता है, परंतु वो दोनों अलग अलग होते हैं। और द्वित व्यंजन में क्या होता है? एक आधा वर्ण और दूसरा पूरा वर्ण, परंतु दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे यहाँ पे आधा क है तो यहाँ पे भी क है। तो ये हो गए द्वित्व व्यंजन और ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब आइए इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है मक्खी, मक्खन, मक्का, मकान, मकड़ी, ढक्कन, पक्का, पका, चक्का, चक्कर। आइए बच्चों अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर बताइए कि इनमें क्या अंतर है। बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें हमने बताना है कि इन शब्दों में क्या अंतर है। इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित शब्द कहा जाता है। आइए मैं इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी देती हूँ। समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन्हें बोलने व सुनने पर एक जैसा प्रतीत होता है, परंतु अर्थ भिन्न होते हैं। अर्थात भिन्न का अर्थ होता है अलग होते हैं। अर्थात जैसे कि समोच्चारित, इस शब्द के नाम से ही पता लगता है, सम का अर्थ होता है बराबर और उच्चारित का अर्थ होता है बोलना।
अर्थात बच्चों जिन शब्दों को हमें बोलते तथा सुनते समय ऐसा लगता है कि वो दोनों शब्द एक समान हैं, परंतु वास्तव में वे दोनों शब्द एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, उनके जो अर्थ होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। और शब्द का अर्थ तरफ तथा और शब्द का अर्थ तथा होता है। और तथा और ये दोनों जो शब्द हैं बच्चों ये सुनने में तो एक समान लग रहे हैं, परंतु इनके जो अर्थ है वो अलग हैं। जो और शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, तरफ, जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर से निकलता है। तथा एक शब्द होता है और, जैसे राम और श्याम, माता और पिता, ठीक है। तो ये दोनों शब्द जो है सुनने में एक समान लगते हैं, परंतु इनका जो अर्थ है वो अलग है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हमारी हिंदी व्याकरण की भाषा में समोच्चारित शब्द कहा जाता है। अब आइए हम दिए गए शब्दों के अर्थों को समझते हैं। सबसे पहला दिया है हमें पका। बच्चों मैंने इन शब्दों को वाक्य बनाकर स्पष्ट किया है, आपने भी जब इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है तो आपने वाक्य बनाकर ही इनके अर्थों को स्पष्ट करना है। सबसे पहला है पका। पका हम बोलते हैं ना कि मेरी माताजी खाना पका रही हैं। और दूसरा क्या है, पक्का, राम मेरा पक्का मित्र है। देखो ना बच्चों, जब हम इन दोनों शब्दों को बोल रहे हैं तो ज्यादा अंतर नहीं लगता है, वो बोलने तथा सुनने में एक समान लगते हैं, जैसे पका पक्का, ठीक है। परंतु वास्तव में क्या है, इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, समोच्चारित शब्द। आगे है पता। तुम्हारे घर का पता क्या है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एड्रेस भी कहते हैं। और पत्ता, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। उतर, हमें बस से ध्यानपूर्वक उतरना चाहिए। उत्तर, मैंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। बचा, तुम्हारा कितना काम बचा है। बच्चा, सोहन एक अच्छा बच्चा है। तो ये थे बच्चों समोच्चारित शब्द। आपने इन शब्दों के वाक्य बनाते हुए ही इस कार्य को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब अगला प्रश्न दिया गया है आपको। मक्खी शेर के कान के पास भिन भिना रही थी, आपने इनके पास किसे भिन भिनाते या मंडराते हुए देखा है, लिखिए। बच्चों आपने कीचड़ के ऊपर, कूड़े के ढेर पर, कटे हुए फलों पर, फूलों के ऊपर, गुड़ के ऊपर किसी न किसी को भिन भिनाते या मंडराते हुए अवश्य देखा होगा। तो आपने उन नामों को इन दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। यह प्रश्न आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, उत्तर पुस्तिका में नहीं करेंगे। अब आइए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से प्रश्न अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। एक तो प्रश्न 5 और दूसरा भाषा की बात का प्रश्न 2। इन दो प्रश्नों को आपने अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और जो अपने आपने पाठ्य पुस्तक में करने हैं वो प्रश्न है, एक तो कहानी ही कहानी का प्रश्न 1 और दूसरा है भाषा की बात का प्रश्न 3। इन दो प्रश्नों को आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है, उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। अब ये जो कार्य आज आपको करवाया गया है इसे आपने सुंदर लिखावट में करना है तथा याद करना है। धन्यवाद।